पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन शिमला जिला इकाई की आम बैठक का आयोजन शिमला के कालीबाड़ी हॉल में किया जाएगा, जिसमें शिमला जिला इकाई के स्थायी सदस्य हिस्सा लेंगे। वहीं बैठक में पेंशनर से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी और किस तरह से मुद्दों को सरकार के समक्ष रखना है इस पर भी रणनीति तय की जाएगी। जानकारी देते हुए पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन शिमला इकाई के पदाधिकारी ने बताया कि पेंशनरों की बहुत सी मांगे लंबित है, जिन्हें लेकर चर्चा की जाएगी। इनमें प्रमुख रूप से मेडिकल बिलों का भुगतान, जो काफी समय से लंबित पड़ा है। इसके अलावा 1/16 से जनवरी 2022 तक रिटायर पेंशनर के एरियर का भुगतान करना शामिल है। संघ के पदाधिकारी का कहना है कि जल्द ही नया पे स्केल आने वाला है और अभी पिछले पे स्केल का एरियर भी पेंशनरों को नहीं मिल पाया है। वहीं उन्होंने सरकार से जल्द पेंशनरों की मांगों पर विचार करने का आग्रह किया। 19 तारीख को 11 बजे कालीबाड़ी हॉल में शिमला शहरी इकाई की पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक है। ये आम बैठक है और इसमें जो भी हमारे स्थायी सदस्य हैं, लाइफ मेंबर हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया है और हम आपके चैनल के माध्यम से भी उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो 19 तारीख को 11 बजे कालीबाड़ी हॉल में आए और इसमें जो भी हमारे ज्वलंत मुद्दे होंगे पेंशनर्स के, वो इसमें डिटेल चर्चा होगी। आत्माराम जी भी शिरकत करेंगे और हेल्पेज इंडिया वाले भी कुछ हमें गाइडलाइंस देंगे, वो भी इस बैठक में आएंगे। इसलिए 11 बजे निवेदन रहेगा कि अवश्य इस बैठक में आए। पेंशनर्स का जो मेन मुद्दे में है, जैसे हमारे मेडिकल रिइंबर्समेंट बिल्स है, बहुत अरसे से पेंडिंग पड़े हैं, या उस भत्ते को 400 से 1000 रुपये करने की भी मांग स्टेट बॉडी ने भी उठाई है। इसके अलावा जो 1/16 से लेके जो रिटायर हुए हैं जनवरी 21 तक, तो उनके जो एरियर है, हाँ 22 तक, जनवरी 22 तक उनके एरियर सबके फंसे पड़े हैं, उसके बारे में सरकार डिसाइड करे कि और जल्दी से उनकी पेमेंट हो, और जिनके एजी ऑफिस में केसेस फंसे हैं वो जल्दी से थ्रू हो जाने चाहिए। इसके अलावा जो 50% और 30% वाले भी केसेस अभी प्रसू होने डिपार्टमेंट से, उसमें भी डिसाइड करे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, उसमें रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जो गवर्नमेंट की 5 सितंबर की जो नोटिफिकेशन है, उसमें क्लियर लिखा गया है कि डिपार्टमेंट वाले सब अपने आप केसेस भेजेंगे, तो उनको वो डिसाइड कर लेने चाहिए। तो इस तरह से जितने भी एरियर है, लोग चाहते हैं कि नया पे स्केल भी आने वाला है और अभी पिछले पे स्केल का हमें एरियर नहीं मिला है, वो मिल जाए तो अच्छी।